हम पटना में भी देखे हैं, पूर्णिया में भी देखे हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में देखे हैं, बस ऐसा सीट हमारे एरिया में कटिहार में खुला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टिकट प्राइस हमारा 200-250 के आसपास का हमारा टिकट प्राइस रहेगा जी। शो के टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके लेट नाइट में नाइट में 10-10:30 बजे तक का। लगभग एक दिन में कितने शो चलेगी सर? एक स्क्रीन में 500, ऐसे दो स्क्रीन है तो डेली के 10 शो चलेंगे। सो फिर से स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और इस टाइम मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, इस टाइम मैं अपने लोकल शहर कटिहार में ही हूँ। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स खुला है जो कि दलन के पास होता है, तो कल इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है श्री तारकेश्वर भगत जी ने उसका कल उद्घाटन किया यहाँ का। तो आज हम लोग आए हैं इसको देखने के लिए, तो देखते हैं अंदर में क्या फैसिलिटी वगैरह दी हुई और क्या टिकट वगैरह की कॉस्ट है और सारी चीज़ें अंदर से देखते हैं। तो दलन के पास जो ये हाईवे बन रहा है इसके जस्ट पास में ही ये मॉल है, तो देख सकते हैं नीचे में शायद मॉल दिया हुआ गया है और अंदर में मल्टीप्लेक्स है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर और मेरे पीछे देख रहे हैं ये लिफ्ट की भी सिस्टम दी हुई है और थर्ड फ्लोर में इसका मल्टीप्लेक्स बना हुआ। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हम लोग लिफ्ट में, ऊपर चलते हैं उसके बाद ऊपर का दिखाते हैं आपको ना। तो चलिए चलते हैं लिफ्ट में, पढ़ना भी मेरे साथ आया है। थर्ड फ्लोर लिफ्ट की भी फैसिलिटी काफी अच्छी है यहाँ पे। थर्ड फ्लोर में चलते हैं कॉम्प्लेक्स अंदर। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक थर्ड फ्लोर में, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। देखिए सीट वगैरह बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो प्रणव कुछ बताएंगे, बताइए प्रणव। हाँ, यहाँ का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, आप आराम से मूवी एंजॉय कर सकते हैं। अपने साथ, अपने अपनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जरूर आएँ और एक बार विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसको। चलिए सीट में बैठ कर ट्राई करते हैं कैसा सीट है। प्रणव जी आप यहाँ पर ट्राई कीजिए, तो कैसा महसूस हो रहा आपको? बहुत ही आरामदेह, कंफर्टेबल है, पूरा कंफर्टेबल है। गद्दा का है, इसमें हमको फॉर्म वगैरह रुई वगैरह दिया गया होगा, इसीलिए बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है पंडित जी, आगे वाला सीट में, ये तो सारा सीट वैसे ही होगा सर। तो यहाँ पे आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम से लेट के यहाँ पे इधर मूवी वगैरह आराम से इजीली देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे सो के आराम से मूवी वगैरह देख सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस कब किए होंगे प्रणव जी आप? हम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम में ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम पटना में भी देखे हैं, पूर्णिया में भी देखे हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में देखे हैं, बस ऐसा सीट हमारे एरिया में कटिहार में खुला है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। चलिए तो इस तरह का ये थर्ड फ्लोर का है। अब चलिए चलते हैं अंकल के साथ फोर्थ फ्लोर में। ये देखिए यहाँ का लगा हुआ प्रोजेक्टर है, ये तो यहीं पे मूवी वगैरह चलेगी। को कितना सीट है यहाँ पे अंकल? ये थर्ड फ्लोर में 70 सीट है और फोर्थ फ्लोर में? फोर्थ में सब में 70, सब में 70 ही है। तो चलिए अभी चलते हैं फोर्थ सिटी है, बहुत अच्छा। पर्सनली आप अगर पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा कटिहार में अपने छोटे शहर में ऐसा इस तरह कॉम्प्लेक्स खुलना बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो अभी चलते हैं फोर्थ फ्लोर में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर और यहाँ पे बाथरूम वगैरह की सुविधा दी हुई है, इधर टॉयलेट वगैरह दी हुई है, लेडीज जेंट्स दोनों की टॉयलेट है और इधर बॉक्स ऑफिस है, यहाँ पे टिकट वगैरह मिल जाएगी। और ऊपर कंट्रोल रूम है अंकल, ऊपर कंट्रोल रूम है क्या? यहाँ पे रजनीकांत जी का स्टैचू भी बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग वगैरह चारों तरफ किया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, जब 5 तारीख को ये ओपनिंग होगा तो यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी। और इस तरह यहाँ पे वेटिंग रूम है, इधर आप इजीली वेट कर सकते हैं आराम से। तो फुल्ली एसी है यहाँ पे, तो गर्मी वगैरह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठंडी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं अभी ऊपर में। तो ये फोर्थ फ्लोर है, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे अलग मूवी चलेगी और नीचे अलग मूवी चलेगी, तो यहाँ पे भी सेम ही सारी फैसिलिटी हुई है। इधर बाथरूम वगैरह है और यहाँ पे टिकट वगैरह मिलेगी और इधर रास्ता है अंदर जाने का। तो अभी काम वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं इधर काम वगैरह चल रहा है यहाँ पर। तो इधर फोर्थ फ्लोर का देखते हैं कैसा है। तो ये फोर्थ फ्लोर का यहाँ पे काम चल रहा है, 5 तारीख से यहाँ पे भी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे दो मूवी चलेगी अंकल ना?
एक नीचे में एक ऊपर में, कोई भी मूवी रिलीज होगी तो दो मूवी यहाँ चल सकती है, ऊपर भी 70 सीटें और नीचे भी 70 सीटें। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, तो ये भी सेम तरह की है, नीचे में जैसे है कम्फर्टेबल ऊपर में भी है। तो इधर का ये कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम यहाँ का छोटा सा कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। उधर इधर कैमरा वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये सर है जो कि हेड ऑफिस है, तो यहाँ के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, तो जानते हैं इनसे यहाँ के बारे में, कुछ बताइए सर। सर ये कटिहार के अंदर हमारा एक सेकेंड डे थिएटर ओपन हुआ है, कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर का, जो एक 3 तारीख से आपको बुक माई शो और पेटीएम में उसका टिकट अवेलेबल मिल जाएगा, आप बुकिंग वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। और 5 तारीख से ये थिएटर रन कर रहा है। अच्छा, दोनों थिएटर ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों। हाँ, दोनों स्क्रीन हमारी है, 2 स्क्रीन है, 70-70 की कैपेसिटी है, 70-70 दोनों में, टोटल 140 सीटिंग कैपेसिटी का थिएटर है। अच्छा सर, टिकट क्या प्राइस होगी इसमें? टिकट प्राइस हमारा 200-250 के आसपास का हमारा टिकट प्राइस रहेगा जी। और शो के टाइमिंग क्या होगी सर? शो के टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके लेट नाइट मीन्स नाइट में 10-10:30 बजे तक का। लगभग एक दिन में कितने शो चलेगी सर? एक स्क्रीन में 500, ऐसे 2 स्क्रीन है तो डेली के 10 शो चलेंगे। 10 शो चलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कॉम्प्लेक्स के पीछे जस्ट पीछे ये पार्किंग दिया हुआ है, देखते थे यहाँ पे अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इधर बन ही रहा है ये पार्किंग। तो हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स को, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बनाया गया है, फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ दी हुई है। और 5 तारीख को ये इसका पहला शो चलेगा, तो आप ऑनलाइन वगैरह टिकट बुक कर सकते हैं बुक माई शो से। तो हम कटिहार वासियों के लिए ये बहुत अच्छा खुला है, तो मैं लगभग 2-3 कॉम्प्लेक्स यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ की फैसिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो 5 तारीख को ऑनलाइन टिकट वगैरह आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। तो मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।